हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत सुंदर ए लाइन कुर्ती बनाएंगे। और अब हम सबसे पहले इस कपड़े को नापेंगे। तो सामने मैंने साइज़ लिख दिया, आप इस पे अपना मेज़रमेंट लगा के आप बना सकते हैं। तो कपड़े को खोलते हैं और इसे देखते हैं कि हमारा कपड़ा है कितना। तो मैंने इसे जब लेंथ वाइज, जिधर किनारी होती है ना उस साइड लेंथ होता है, तो लेंथ वाइज जब नापा तो मेरे पास ये डबल कपड़ा है तो 36 है, यानी मेरे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा है। और जब मैंने इसे विड्थ वाइज नापा तो ये मेरे पास है पूरा 16 इंच। ये पूरा हमारा इंची टेप 16 इंच का है, 16 इंच यानी 1.5 मीटर अर्ज वाला ये कपड़ा है। बहुत अच्छी कुर्ती बनती है, आपको बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है। अब देखिए, मैं विड्थ वाइज इसे बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, इसका जो सीधा कपड़ा है उसे अंदर, उल्टे कपड़े को बाहर कर लूंगी सबसे पहले। अब आपको देखना है अगर इस कपड़े में कहीं टेढ़ापन है तो आप उसे अभी पहले ही निकाल लो, और कोशिश करना है इसके किनारियों को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अब मैं इसके जो ये खुली साइड है यहाँ पर स्लिट बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने विड्थ वाइज पूरे कपड़े को रख लिया है। अब रखने के बाद मैं स्लिट बनाऊंगी। स्लिट के लिए मैं इसमें जगह छोड़ूंगी। तो ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को ले लिया है। अब मैंने जो खुला कपड़ा था हमारा, खुली साइड पे मैंने 1.5 का एक निशान लगाया। ये देखिए, और जो हमारा बंद वाला कपड़ा था उसे उस 1.5 के पीछे रख दिया, ठीक है। इससे हमारे दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट जाएंगे। अब देखिए, मैंने कपड़े को अपनी तरफ को घुमा लिया है, पहले मेरे इस साइड को था ना घुमा के, ताकि मुझे ड्राफ्टिंग बनाने में इजी हो जाएगा। तो जो मेरे पास मैंने पट्टी रखी है वो मेरे पास एक्स्ट्रा कर दिया मैंने बाहर को, और लेंथ में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिया। वो मेरा फोल्डिंग के लिए आ जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक फोल्डिंग करेंगे हम, यानी 44 हमारी तैयार लेंथ है। 1 इंच का फोल्डिंग किया, 45 हो गया, ठीक है। अब मैं लेंथ में का निशान आ गया। अब मेरे पास जो इसका शोल्डर है 15 है, मैं उसमें 1 ऐड करूँगी, 16 कर लूँगी। तो 16 का हाफ मैंने 8 लिया, 8 ही मैंने यहाँ पे डाउन में ले लिया। लेने के बाद अब मुझे बस्ट साइज़ लेना है। तो बस्ट साइज़ जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसे 4 से डिवाइड करो, और ऊपर से 12 इंच, उसके नीचे 3.5 और उसके नीचे 7 इंच, ऐसे आप मार्किंग ले लीजिए। तो यहाँ पे जो थे ये आया है, ये मेरा वेस्ट लाइन आया है। अब मैंने 10 यहाँ पे कमर पे ले लिया, और हिप साइज़ पे मैंने 11.5 ले लिया। तो इसमें मैंने सब में लूजिंग ऐड कर रखा है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे करके क्रॉस में लाइन डाल दिया, पूरा घेर ले लेंगे हम। अब ये नाप के देखेंगे कितना है, इतना जितना ऊंचा नीचा आएगा यहाँ पे पहले ही कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कमर के ऊपर 4 इंच का निशान लगाया, शोल्डर पे मैंने 4 इंच का निशान लगाया, और हिप साइड पे मैंने 4.5 का निशान लगाया। यहाँ पे मैं एक कट डालूँगी। अब इसका बस्ट साइज़ जो था ना, इसमें मैंने 3 इंच का लूजिंग लिया है, वेस्ट साइज़ में भी 3 इंच का लूजिंग लिया है। अब जितना हमारा नीचे आया उसका जस्ट हाफ़ कर देंगे हम, ठीक है। अगर आपका 20 हो तो आप उसका हाफ़ कर दीजिए, जितना भी आपका आएगा उसका हाफ़ कर देना। अभी देखिए, ड्राफ्टिंग हमारा बन चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले लेंगे, तो आप 0.7 का मार्जिन ले लेना तो बिल्कुल ठीक आएगा। ये देखिए, मैंने मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पर हम शेप डाल देंगे, और जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है उतना ही हम यहाँ लगा देंगे, यानी फिटिंग का निशान हमारा थोड़ा पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ऐसे पीछे हो जाएगा। अब मार्जिन हम अब ऐड करेंगे, तो अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मार्जिन ऐड करते हुए हमने इसका कटिंग कर लिया। ये हमारे पास बन गया है। अब मैं ये जो कटिंग है सेंटर की, ये भी कटिंग कर दूंगी, और दोनों में करेंगे, ठीक है।
ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, यानी बैक और फ्रंट दोनों में। अब मेरे पास ये ही कपड़ा बचा है सारा बनाने के बाद, अब इसमें हम स्लीव्स बनाएंगे। तो जो आजकल स्लीव्स चल रही है हमारी कफ वाली, वो बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी लेंथ को नाप के देखूँगी। 3 इंच का हम इसमें कफ डालेंगे, तो यानी हमारे को 3 इंच का कफ डालेंगे तो हमें 2 इंच कपड़ा लेंथ वाइज कम करना होगा। तो पहले मैं यहाँ से किनारी जो है हटा देती हूँ ताकि मेरे को ड्राफ्टिंग बनाने में इजी हो जाएगा। तो मैंने किनारी कट कर दिया। अब उसके बाद मैंने 2 इंच अपने मेजरिंग टेप को आगे छोड़ा और 21 मैंने लेंथ ले लिया पूरा। ठीक, लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो गोलाई है वो 5.5 है, तो मैंने राउंड फिगर में 5 ले लिया और 4 इंच इसमें ऐड कर दिया। तो मतलब तैयार तो मेरे पास 11 था, 11 का मैंने हाफ किया तो 5.5 आ गया, तो मैंने 5 ले लिया। ये यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास 5 और इसके नीचे 4, ये हमारे को आगे की तरफ लेना है। बैक साइड से आप जैसे सिंपल स्लीव्स बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब मैंने यहाँ भी 9 इंच ले लिया। अब देखो आगे की तरफ हमें मार्जिन रखने का ज़रूरत नहीं है, मार्जिन हमें सिर्फ पीछे रखना है। आगे तो काफ़ी ढीलापन आ जाएगा इसमें, क्योंकि आगे की तरफ हमने 9 रख दिया ना, 4 इंच पहले ही ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है, ये देखिए, ठीक, आगे की तरफ नहीं रखना, बस ऐसे ही बनाना है। बहुत सुंदर कफ वाली बाजू बनेगी। ये देखिए जितनी आपकी गोलाई हो आप उसका हाफ कर लो और उसमें 4 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा 3.5 आ रहा था तो मैंने वो ही रख लिया, और अदरवाइज 4 रखना होता है। और आगे की तरफ हम चुन्नट डालेंगे। तो अब हम सिलना शुरू करेंगे। तो ये मेरे पास फ्रंट पार्ट है, तो ये मेरे पास जो पट्टी वाले एरिया हैं उसको मैं, किनारी नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा मोड़ दूँगी। अगर हमारी किनारी तो हम पहले ही निकाल चुके और ये तो विर्थ वाइज बना था, तो यहाँ तो किनारी आने का मतलब ही नहीं बनता। तो मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल बारीक बारीक पहले फोल्ड कर दूँगी दोनों को। ठीक है, करने के बाद अब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊँगी। तो वाइट कलर की मैंने और पाइपिंग काट रखी है। अब काटने के बाद मैं इसे लगाऊँगी। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पाइपिंग को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बहुत ही ढीले हाथ से लगाना है, क्योंकि पाइपिंग अगर खींच दोगे ना तो बीच से उठने लगेगा स्लिट। तो अब हम ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे तो लगभग एक पैर का सिलाई लेंगे, क्योंकि जब हम इसे फाइनली जोड़ेंगे ना, ये देखिए सिलाई मेरी कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे लेना है। जब हम इसे फाइनल स्टिच करेंगे तो बिल्कुल किनारे पे करेंगे, तो बाहर से देखने में लगेगा जैसे आपने डबल सीन लिया है। ये मेरे पास इसका साइड पोर्शन है, इसके अंदर मैं इसे जोड़ दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे जोड़ना है, आपको एक साइड दिखाऊँगी बनाना, फिर आप बाकी सब आप अपने हिसाब से बना लेना। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा बाकी सब। तो अब देखें कितना कितना हमें दबाना है, बस इतना इतना सा, हाफ इंच से थोड़ा सा कम। ये देखिए अब हम इसको ऐसे करके बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लेते हुए पूरा सिल देंगे। और ये देखिए, ये मैंने एक पोर्शन सिला, अभी दूसरा दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पास है इसका दूसरा पोर्शन, ये देखिए। ठीक, अब एक के ऊपर एक रखेंगे और हम मार्किंग करेंगे नेक की। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितनी सफाई से आया, बिल्कुल ऊंचा नीचा नहीं आया है। ये हमारे पास हो गया फ्रंट पार्ट। अब मैं आपको इसका बैक पार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, बैक पार्ट में पाइपिंग नहीं डालना है, ऐसे ही सिलना है। अब देखिए बैक साइड हमारा प्लेटें नहीं डलता है, तो जब आप कमर के पास आओगे ना हल्का सा प्लेट की तरह जैसे थोड़ी गहराई लेके सिल देना, बस आपको इतना ही करना है, तो बैक साइड की प्लेट भी उसमें कवर हो जाएगी। अब हम सबसे पहले बैक साइड का नेक काटेंगे। तो मैं क्या करूँगी, अब देखिए बनने के बाद ही मेरे पास 7 इंच का आया है, थोड़ा सा कम हुआ है, तो 2.5 मैं नेक लूँगी और यहाँ पे मैं 7 इंच का या 6.5 का नेक ले लूँगी बैक साइड से। ये देखिए, ठीक है, डीप नेक बन रहा है, ब्रॉड नेक बन रहा है, एकदम चौड़ा चौड़ा नेक बनेगा और गहराई में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गया। अब बनने के बाद ही बिल्कुल शोल्डर हमारा कंप्लीट आएगा। अब मैंने जब फ्रंट पार्ट पे भी मुझे इसकी मार्किंग करना है, तो सेम वैसे ही 2.5 पे मैं निशान लगा लूँगी
और लगाने के बाद आगे का जो गला है मैं पट्टी के पीछे पीछे तक लूँगी, तो लगभग 7 इंच का मैंने आगे का लिया है, 6.5 का मैंने पीछे का नेक लिया है। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। ये देखिए, अब इसकी पट्टियों को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये देखिए नेक हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसे आपको बनाना दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास एक बचा हुआ कपड़ा है, अब मैं इसके ऊपर नेक को सेट करूँगी, बुकरम नहीं डालेंगे। तो देखिए हमें नेक को सेट करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड लगभग 1.5 छोड़ना है और आपको ऐसे करके इसे अटैच कर देना है। ये देखिए, तो अब हम दूसरी साइड भी नेक को ऐसे करके जमा लेंगे। ये देखिए, ठीक है। फिर जब पिनअप हो जाएगा फिर उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर नेक बनता है। तो अब बिल्कुल शेप में हम सिलाई लगाते चलेंगे। ये हमारा एक साइड का हो गया, अब दूसरी साइड का। देखिए पट्टियाँ भी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ और गैप भी दे के बनाया है मैंने। अभी कटिंग करूँगी तो और आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ तक, फिर ये बीच में थोड़ा सा गैप, फिर इसे भी कट करेंगे और फिर यहाँ तक, और गैप तो कट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पीछे की तरफ इक्वल करके कटिंग कर लेंगे, 1.5 ले लेंगे और ये कट्स थोड़े पास पास डालेंगे, क्योंकि राउंड नेक में हमेशा थोड़े पास पास नेक कट डालने चाहिए, और बस किनारा लेते हुए पूरा सिल देंगे। अब ये तो हमारे पास बन गया है फ्रंट का। अब बैक साइड का बनाने के लिए फिर से मैंने कपड़ा लिया और कपड़ा लेने के बाद मैंने पूरे नेक को इसके ऊपर ऐसे करके अटैच कर लिया। अब फिर से मैं वैसे ही किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी, एक पैर की, बहुत सारा दबाव नहीं डालेंगे और बस ऐसे करके सिल देंगे। और सिलने के बाद फिर वैसे ही पहले की तरह ही, ये देखिए, कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया, करने के बाद फिर हम कट्स लगा लेंगे और फिर हम इसे इक्वल करके काट लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान और एकदम शेप में बनता है ये नेक। ये देखो, ठीक है ना। अब मैंने इसके भी किनारे की सिलाई लगा लिया है। अब लगाने के बाद मुझे एक सिलाई और लगाना है। तो ये जो कपड़ा हमारे पास अंदर है, जो हमने अभी कट लगाए थे, उसको हमारे को जो हमने पट्टी है ना नेक में जब लगाते समय पट्टी बनाई है, उस तरफ करना है। मतलब जो मेन फैब्रिक है उस साइड नहीं करना है। अब दोनों गले हमारे बन गए हैं पट्टी के नीचे। ये देखिए यहाँ तक हमें सिल देना है, ऐसे करके यहाँ तक हमें नीचे तक जाना है, जहाँ तक हमें स्लिट खोलना है वहाँ तक चले जाना है। ये देखिए ये हमने सिला, और आप ये स्लिट अपने हिसाब से खोल सकते हैं। मेरा ये स्लिट 11.5 आएगा और बाकी सब मैं फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए ये मेरे पास बैक साइड का नेक है, और अब मैं आपको फ्रंट साइड का, तो मैंने फोल्ड कर लिया था। ये देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा लिया है, अभी तुरपाई बाद में करेंगे। ये देखिए बैक साइड के नेक को हम ऐसे करके रखेंगे। रखने के बाद जब हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे, अगर आपका छोटा बड़ा आ रहा हो तो देखिए थोड़ा बहुत आया है, उसे आप बाहर की तरफ निकालना है, नेक की तरफ नहीं निकालना है। ये आप बड़े गलों में कर सकते हैं, ब्रॉड जो नेक होते हैं ना उसमें आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप पीछे से छोटा गला बना रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका शोल्डर बड़ा छोटा आया तो आपने शोल्डर की तरफ निकाल दिया। अगर छोटा गला है तब आपको नेक की तरफ ही निकालना होगा, नेक की तरफ से ही सही करना होगा। और अगर बड़ा गला है तो आप शोल्डर की तरफ निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये हमारा
से बन गया। बस अब इसको भी मैं बैक साइड को भी फोल्ड करके अभी सिलाई लगा दूंगी, बाद में मैं इसके अंदर तुरपाई कर दूंगी। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना सुंदर हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए जो स्लीव्स है इसके फ्रंट में जहाँ पे मोरी होती है ना, गोलाई होती है, वहाँ पे एक बखिया लगा लेंगे हम, जिससे उसका चुन्नट हम खींच सकें। ये देखिए, जितना आपको कफ की विर्थ लेना है उतना आप इसे रख लीजिए। तो जैसे मेरे को ये 10.5 के आसपास चाहिए तो मैंने 11 इंच कर लिया। अब मैंने एक बुकरम लिया, ये मैंने पूरा 11 इंच का ले लिया। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा मार्जिन के लिए रख लिया और बाकी को मैं कट कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने एक कपड़ा लिया, जस्ट इसका डबल विर्थ में है, तो एक साइड मैंने ऐसे फोल्ड किया। ये देखिए, ऐसे फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे मोड़ के निकाल दूंगी, थोड़ा सा मार्जिन के लिए बस रखूंगी। ये देखिए, दोनों साइड होगी ना मेरे पास मार्जिन के लिए। अब मैं कफ को उल्टी तरफ रखूंगी और सीधी तरफ पलटूंगी। ये देखिए, अब मैंने कपड़े को सिलना है, बुकरम वाली साइड को नहीं सिलना। जब हम पलट के बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो बुकरम वाला पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, इसको हमें इक्वल कर लेना है, जहाँ साइडें होती हैं ना उधर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ सिलाई हमारी आएगी तो वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीच के पोर्शन में ही इक्वल दूरी में रख लेना है। ये मैंने इसे लगा दिया। ठीक, लगाने के बाद अब देखिए मैं सीधी तरफ पलटूंगी ना, तो बुकरम वाला पोर्शन आ गया ऊपर और फिनिशिंग भी आ गई है। और बस बनाने के बाद अब हमें इसे बिल्कुल सिंपल सूट की तरह पूरा फिटिंग डाल देना है और स्लीव्स जोड़ देना है। ये देखिए, अब कफ को आपको बाजू पे जितना टाइट रखना है उतना टाइट रख के आप अपनी फिटिंग ले लीजिए, ठीक है ना। बहुत ढीला नहीं रखना है कफ, थोड़ा फिटिंग में ही रहेगा, मतलब इतना हो कि आपका आराम से हाथ चला जाए। और बस अब आप पूरा सूट सिल दीजिए और आगे की शेप जैसे आप डालते हैं वैसे ही डाल लीजिए। तो अब मैं इसे जोड़ लूँगी और अब फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है और बिल्कुल रेडीमेड देखने में लग रही है। ये देखिए कुर्ती कितनी सुंदर लग रही है। इसका हमारा नेक से जो कट आया है नेक से आया है, क्योंकि हमने इसे ब्रॉड नेक बनाया है। ये देखिए 10 इंच का मैंने स्लिट खोल दिया और मैंने बटन थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दिए हैं। और ये देखिए कफ कितना सुंदर अब आया है ना, यहाँ पे भी मैंने दो बटन लगा दिए, इसे ये बहुत सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल फुल स्लीव्स है ये, और यहाँ पे अगर आपको ढीला टाइट हो तो आप इधर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, और अगर आप किसी ग्रुप के साथ ऐड हुए हैं तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना।